जीवन को सुधारना है तो सुबह को सुधार लो। सुबह अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा हो सकता है, और सुबह को अगर आपने नहीं काम में लिया, सुबह के महत्व को नहीं समझा, तो दिन भर भी अनप्लान्ड वे में दिन गुजर सकता है, उसका उतना परिणाम शायद ना आए। इसलिए सुबह बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन में। जितने भी बड़े पुरुष, महापुरुष, साधु, संत, सन्यासी, योगी, जितने भी आप देखेंगे, वो सुबह को बहुत महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अमृत बेला बोलते हैं, यानी नाम यूं तो नहीं रखे जाते हैं, और इतनी परंपराएं हमारे जो जो धार्मिक ग्रंथों में जिन बहुत पुराने ऋषि मुनियों ने जो एक परंपरा स्थापित की है सुबह की, तो यूं ही तो नहीं किए हैं। जितने भी बड़े काम हुए हैं, जितने भी सब कुछ हुए हैं, वो उन्होंने अपने सुबह को बहुत अच्छा उपयोगी समझा है। सुबह को कभी भी व्यर्थ नहीं करते हैं। सुबह का समय मतलब उस समय उठ जाते हैं जब उस समय जिस समय उठ जाना चाहिए। और वैसे भी जो है आयुर्वेद के हिसाब से सूर्यास्त के बाद सोना, मतलब सूर्य उदय के बाद सोना, वो कोई उचित बात नहीं है। तो अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे और अच्छी चीजों को केवल जानकारी में रखेंगे, जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो काम थोड़ी आएगी। केवल जानकारी है, केवल अफसोस जरूर हमें मिल सकता है कि उतना तो चाहिए लेकिन उठता नहीं हूं। अफसोस लेकर क्या जीना। तो हम क्या करेंगे, हम अपना सुबह के समय को ठीक करेंगे, और सुबह थोड़ा बहुत समय खुद को देना बहुत जरूरी है। अगर हम सीधा उठे और अपने उठ के और जैसे भी है तैयार व्यार होके और काम पे चल दिए ना, तो उतना मजा आएगा ही नहीं जिंदगी। थोड़ा समय अपने लिए जरूर रखना है। अगर आप की लेट सोने की आदत है और वह संभव है कि उसको मैनेज किया जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी सोने की आदत बनाइए। बहुत सारे साथियों को तो मैंने देखा है, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य जन में जो है, तो आजकल अनावश्यक रूप से लेट सोने की, बोले मेरी आदत हो गई लेट सोने की, वो करना क्या, कुछ नहीं करते, वो मोबाइल कुछ देखते रहेंगे, या क्योंकि इससे पहले नींद ही नहीं आती, सोने की आदत ही नहीं है। तो अनावश्यक रूप से अपने जीवन को कठिन बनाने के काम हमने बहुत सारे कर लिए, खुद भी नहीं सो रहे हैं, दूसरों को भी नहीं सोने दे रहे हैं। तो सोने का समय ठीक करना भी बहुत जरूरी है जल्दी उठने के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है, इसको कर ही लेना चाहिए। और सुबह उठ के कुछ काम बहुत जरूरी है जो करने चाहिए। एक तो हमें सूक्ष्म का अभ्यास सुबह एक बार तो करना ही चाहिए, दिन में तो करने ही है, लेकिन सुबह कर लेंगे तो दिन में भी आपको ख्याल रहेगा कि हाँ ऐसे सूक्ष्म का अभ्यास होता है। अगर सुबह से शुरू नहीं किया और सीधा काम पे लग गए, तो हो सकता है आपको ध्यान ही नहीं रहे कि सूक्ष्म अभ्यास करना, और सूक्ष्म का अभ्यास नहीं करेंगे तो जीवन में जो खुशबू जो आनी है, जो खिलावट आनी है, जो सुंदरता आनी है, वो कैसे आएगी। क्योंकि हम बार बार के हो जाएंगे ना भीतर, जब तक भीतर ठीक नहीं करेंगे तब तक बाहर ठीक कैसे होगा, बताइए। तो हमको क्या दिव्य बनना है, हमें अपने जीवन को जो स्टार बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, भीतर और बाहर के बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। आप जितने अनुशासित होंगे, जितने अच्छे होंगे, जितने आपका प्रभाव बढ़ेगा, वैसे ही आपके परिणाम भी बढ़ेंगे। तो परिणाम तो आगे की चीज है, लेकिन पहले हमें अपने आप को इम्प्रूव करना, बेटर करना है। और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सुनने तो कुछ होता नहीं है, सुनने से कुछ नहीं होता है, करने से ही सब कुछ होता है। तो सुबह का समय उठ के सीधा काम पे न लगना, ये ध्यान रखें। और कम से कम क्या क्या करना है, सूक्ष्म का अभ्यास बहुत जरूरी है, योगा वगैरह आपको जो भी करना है वो करना ही है, लेकिन सूक्ष्म का अभ्यास जरूर करना है। और एक पॉकेट डायरी जरूर बनानी, और पॉकेट डायरी बनाने से पहले क्या करना है, दिन भर के काम की प्लानिंग जरूर करनी है। सुबह की जो प्लानिंग की हुई होती है उसमें आपको भूलने की संभावना ही बहुत कम हो जाएगी। अगर आपने सुबह नियोजित कर लिया, सुबह आपने बैठ के थोड़ा सोच के
कि आपके थोड़े मकसद को ख्याल में लाते हैं कि मुझे क्या क्या काम करने चाहिए, ये कुछ छूटना नहीं चाहिए, ये सब। और उसको प्लानिंग को आपने सुबह सुबह अगर नोट कर लिया, जब आप अपने साथ साथ होते हैं, जब आपका माइंड फ्रेश होता है, सुबह एक जीवन का बहुत अनमोल समय होता है, उस समय माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। तो नंबर वन सूक्ष्म का अभ्यास, नंबर टू अपने साथ बैठ के और दिन भर के कामों की पॉकेट डायरी बनाना, ठीक है। और क्या करना जरूरी है, कुछ आप जो गुरुकुल के जितने भी वीडियो है या अन्य आपको कोई वीडियो मान लो बहुत अच्छा जो आपके जीवन को बहुत प्रकाशित करता है, अनसेंट वीडियो उससे मैं नहीं सुनने, सुबह सुबह जो आपको जीवन को एक दिशा देता है, आपकी सोच को मजबूती देता है। हमें पता नहीं, हमें बहुत सारे जीवन में बदलाव करने हैं, बहुत सारी आदतें हमें बदलनी है, तो वो आदतों को बदलने में जो सहयोगी वीडियो है कोई भी अच्छा, वो वॉल्यूम कार वो सब अभी नहीं, अभी अच्छी आदतों का निर्माण करने में, अच्छी सोच को दिशा देने में जो भी वीडियो है, भले आप 10 मिनट सुने, 5 मिनट सुने, 15 मिनट सुने, पर वो सुने जरूर, जो भी आपको समय मिलता है। जरूरी नहीं रोज ही पूरा का पूरा ही सुने, आपने अगर पूरा सुन रखा कई बार तो उसका कोई भी अंश सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे, या उस टाइप का कुछ दूसरा सुनेंगे, तो वो एक दिशा देने वाला, सुबह सुबह आपको एक डोज जो होता है, जैसे हम शारीरिक डोज का तो हमें ध्यान रहता है, पर मानसिक डोज, क्योंकि यहाँ तो हम रोज एक ही विषय पे बात नहीं कर सकते, यहाँ तो अन्य विभिन्न विभिन्न विषय आ जाते हैं, लेकिन एक आप सेलेक्ट कर ले और एक वीडियो आप जरूर सुन ले, और कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं उससे कोई लेना देना नहीं, आप अपना एक प्रयोग कर ले कि सुबह क्या क्या मेरे करने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि मैं मेरी आवश्यकताओं को खुद ढूंढता हूं और मैं उसके अनुसार अपना काम करता हूं। मैं सूक्ष्म का अभ्यास भी करता हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करता हूँ, थोड़ा जो विषय की तैयारी भी करता हूँ सुबह, तो वो सारा सुबह जितना श्रेष्ठ होता है ना उतना कभी नहीं होता है। तो ये सब हम करेंगे, आपका वादा अच्छा वाला वादा। और दूसरा काम हम एक काम और करेंगे जीवन में, वो है होश पूर्वक रहना। अब वो बोलते हैं हमको बेहोश थोड़ी है, सांस ले रहे हैं, सब कुछ है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, इस होश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस होश की बात कर रहा हूँ जो हर समय अपनी मानसिक उपस्थिति को कायम रखना। क्या होता है कि हम जब, जैसे अभी बहुत सारे साथी तो ध्यान से सुन रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी होंगे जो चालू ये है और ध्यान पूरा का पूरा कहीं, मैं मतलब वो आरोप प्रत्यारोप वो बात नहीं कर रहा हूं, पर ऐसा कभी कभी हमसे हो जाता है कि हम प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वो हो जाता है, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, पूरा भोजन कर लिया, बाद में पूछो आपने क्या खाया, तो थोड़ी देर बाद तो उनको ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि भोजन तो किया लेकिन ध्यान कहीं और ही था, फोन पे बात कर रहे थे, कोई और दिमाग में कुछ चल रहा था, तो वो क्या हो गया, उपस्थित नहीं है वो, उसको होश पूर्वक जीना नहीं कहते। जो जिस समय जो कर रहे हैं भौतिक रूप से, वही मानसिक उपस्थिति उसमें होनी चाहिए, इसको कहते हैं, इसी से ही बहुत सारी चीजें सुधरेगी, जो आदतों वाली बात है ना, बहुत सारी आदतें हैं ये इसी से इंप्रूव होगी कि हम होश पूर्वक, मुस्कुराने की बात है, जैसे मुस्कुराहट क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम हमारा ध्यान उसमें रहता ही नहीं, हम अपने आप में स्थित नहीं रहते, तो हम भूल जाते हैं, और भूल के ऐसा भूलते हैं कि पूरा गायब हो जाते हैं, या अच्छे भाव रखना, जैसे कि हम अपन ने सीखा कि हमेशा धन्यवाद के भाव में रहना, भाव में कैसे रहे याद ही नहीं रहता, याद क्यों नहीं रहता है कि अपने आप में स्थित नहीं रह पाते, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ बॉडी हो जाते हैं।
तो ध्यान ही नहीं रह पाता। तो जीवन की जो चीजें सुधारनी है ना, जो हमें करना है, तो इसके लिए होश पूर्वक, जिसको बोलते हैं जागरूकता, एक अवेयरनेस रहनी चाहिए हमें। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, थोड़े से प्रयोग करके देखिए। कभी मान लो आप चल रहे हैं, इसीलिए क्या थोड़ा सा कोई चीज को अभ्यास में लाने के लिए थोड़े वो करना पड़ता है, प्रयोग करने पड़ते हैं, कुछ करके देखना पड़ता है। तो 1 मिनट 2 मिनट और कुछ नहीं करना है, मुस्कुराहट पे ध्यान रखने लगा था, अकेले किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, 2 मिनट का मुस्कुराने का ध्यान करना कि बस मुस्कुराऊंगा और उसमें डूबा रहूंगा, बार बार मन में अंदर खुशी, अंदर अच्छाई, अंदर सब कुछ, सबके लिए धन्यवाद का भाव, और 2 मिनट मुस्कुराने का अभ्यास करूँ। तो वो भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ एक साथ ही है, सारी चीजें 2 मिनट में आपको प्राप्त हुई। ऐसे बीच बीच में करते रहें। कभी चल रहे हैं आप, पैदल चल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि बस चलने में पूरा ध्यान, एक एक कदम, कौन सा हिस्सा पहले जमीन पे टच हुआ, फिर बाद में कौन सा हिस्सा दूसरा टच हुआ, फिर दूसरे पांव का कौन सा हिस्सा ऊपर उठा, फिर कौन सा, फिर जमीन का स्पर्श, भूमि का स्पर्श, और ये ध्यान, ये जो क्रिया है, अगर हम नंगे पांव कच्ची जमीन पे अगर मिल जाए या घास मिल जाए उस पे करेंगे, तो और भी आपको अच्छा आनंद भी आएगा और अभ्यास भी होगा। भोजन करें तो पूरा एक दिन तय कर ले कि अब बस पूरा भोजन, कोई उसका जो क्या रस प्राप्त हो रहे हैं जिन्होंने बनाया है, उनको धन्यवाद का भाव है, जो प्रकृति ने इतनी जो भोजन सामग्री उपलब्ध कराई है, प्रकृति को धन्यवाद का भाव है, और पूरा भोजन करने में ध्यान है। पानी पी रहे तो पूरा पानी पीने में, क्या अमृत तुल्य पानी जो शरीर में जा रहा है, थोड़ा कभी 2 मिनट श्वास पे ध्यान। तो ये थोड़े से क्रियाएं करके देखेंगे तो आपको होश पूर्वक देने का अभ्यास बढ़ेगा। तो ये इसमें क्या मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, आपको मुस्कुराना भी सीख रहे हैं, आप अच्छे भाव भी आ रहे हैं, आपको जो जो आदतें आपको छोड़नी है वो भी छूट रही है, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन ये कब होगा, जब हम होश में रहना सीखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं, कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन एक तरह की बेहोशी की अवस्था में ना, दिन नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, पूरा जीवन गुजार दे। तो जो आनंद आना है, जो उत्सव आना है, जो अच्छा ही आनी है, जो दिव्यता आनी है, वो चूक जाते हैं मतलब। यस, तो ये दो ही कामों का पूरे से निश्चित करना, होश पूर्वक जीने का अभ्यास और सुबह को सुधारना। तो सुबह को सुधारने में जो भी 2-3 बात, अब आप लिख सकते हैं, किसी भी बात को सुन के उसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। लिख सकते हैं कि सुबह जल्दी उठ के थोड़ा समय अपने लिए निकालना, और उसमें सूक्ष्म का अभ्यास और प्लानिंग दिन भर की और डायरी बनाना, ये मेरे को करना ही करना है, और एक वीडियो सुनना अच्छा, जो आपको बहुत अच्छा, जिससे आपकी भावनाएं, जो बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे एक अच्छा, तो ये नोट कर लीजिए आप। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, और सुबह शिक्षण का अभ्यास, वीडियो सुनना, और डायरी में दिन भर के आप सुबह प्लानिंग करोगे ना, तो आपको बहुत मजेदार है, बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, जो छूट जाता है ना, बहुत कुछ छूट जाता है वो। आप अभी क्या होता है कि जो याद आ गया जो आ गया, क्योंकि भागम भाग में ऐसे ही होता है, ये नोट कर लिया होगा आपने। और दूसरा है होश पूर्वक रहने के कुछ अभ्यास, भोजन, चलना, पानी पीना, सुनना, जो भी किसी भी चीज का कर, ये करते ही आप
वो इतनी चीजें सुधरेगी। जैसे अपन योगा करते हैं सुबह, अब योगा में केवल शरीर का हलन चलन से उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन आपने मान लो आपने अपना वो सूर्य नमस्कार आसन किया और आपका एक एक आसन में ध्यान है कि ये हाथ ऊपर जा रहे हैं तो मेरे कौन कौन से पोर्शन में बदलाव या खिंचाव आ रहा है, वो कौन सा सुधर रहा है, कब मेरा पेट इंटेस्टाइन वगैरह का एक्सरसाइज हो रही है, कब पाँव की हो रही है, कब श्वास की हो रही है, उसके में ही जब आप डूबेंगे तो उसके कई गुना लाभ होंगे। और योग उसी को कहते हैं, केवल शरीर को हिलाना चलाना वो योग नहीं है, ऐसा हर चीज है। तो ये आज हम बस इतनी ही बात करेंगे, और एक होमवर्क आपको दिया था एक दिन 1 तारीख को शायद, कि हमको एक नोट करना है कि हम को क्या क्या गतिविधियां करनी होती है, सारी मतलब सब्जेक्ट विषय विषय नोट करने। तो आपने किए होंगे, नहीं किए हो तो वो भी नोट कर लीजिए कि आपके इस अभियान को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर किन किन विषयों पे लगातार काम करना है, वो एक बार आप नोट कर लीजिए सारे। आज नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आपने पहले नहीं नोट किया हो, 1 तारीख को बोला था सारे विषय। उदाहरण से आपको मैं समझा देता हूँ, कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे कि वीडियो देखना, तेजस, निर्जरा, कंसिस्टेंसी, 21 नियम, बुक पढ़ना, ऐसे आदि आदि आदि, मेरे उदाहरण के लिए कुछ बताएं। पर आपके कि ये सारे विषय मुझे बहुत जरूरी है, इनमें से छोड़ना नहीं है कुछ भी, तो वो एक बार विषय आपको नोट कर लें जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों पे ध्यान दिया, इतने उत्साह से आपने सुना।